हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एचएस मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सोशियोलॉजी का ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल पेपर के क्या पॉसिबल पैटर्न्स हो सकते हैं. राइट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, तो इस पेपर बहुत ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है. तो हम देखते हैं कि किस तरह के पॉसिबल पैटर्न आ सकते हैं जो आपके ऑप्शनल पेपर में एचएस में आएंगे. राइट, इससे पहले लेट अस सी कि 2019 का जो सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था उसका पैटर्न क्या था. देखिए, उसका पैटर्न टोटल आपके 7 क्वेश्चन उन्होंने डाले थे, 7 क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन वॉज कैरिंग 30 मार्क्स. ठीक है, और 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे. आउट ऑफ 7, 5 क्वेश्चन वर टू बी अटेम्प्टेड. मैं आपको एक बार चार्ट बना के बता देता हूँ यहाँ पे कि 3 पार्ट में क्वेश्चन थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना. और पार्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें से उन्होंने 5 शॉर्ट नोट्स दिए थे, 5 शॉर्ट नोट्स, एंड 5 में से आपको 4 शॉर्ट नोट करने थे एंड ईच शॉर्ट नोट वॉज कैरिंग 7.5 मार्क्स. राइट, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी था सबके लिए जिसमें शॉर्ट नोट्स करने हैं आपको 4, 7.5 नंबर ईच के, बना टोटल 30 नंबर का. जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपका पार्ट 1 था, उसको पार्ट 1 बोला इन्होंने, जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन थे जिसमें, एंड 3 क्वेश्चनों में उन्होंने ईच क्वेश्चन वॉज कैरिंग 30 मार्क्स, 30 नंबर का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था. राइट, और पार्ट 3 के अंदर भी इसी तरह से था, इसको उन्होंने पार्ट 2 बोला, कि 3 क्वेश्चन पूछे गए और ईच वॉज कैरिंग 30 मार्क्स. तो इस तीन क्वेश्चनों में आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ये हो गया आपका 60 नंबर का. राइट, और जो पार्ट 2 था उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एंड ये भी हो गया 60 नंबर का. तो टोटल कितना हो गया, 30, 60, 90, मतलब 150 नंबर का. तो 150 मार्क्स का आपका 2019 का पेपर था, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था. राइट, इसको अब हम देख लेते हैं एक बार. ये देखिए इस तरह से था, ये कुल 5 प्रश्न हल कीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रश्न संख्या 1 एनवायर है और भाग 1 से 2 प्रश्न और भाग 2 से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए. ठीक है, दैट मींस यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद क्वेश्चन नंबर 1 एज कंपलसरी. डन. ये देखिए, ये 5 शॉर्ट नोट में पूछे गए, आइडियल टाइप, क्लास इन इटसेल्फ, प्रेशर ग्रुप्स, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल फंक्शंस एंड डिसफंक्शंस ऑफ रिलीजन. अब ये ध्यान रखिए, जो पार्ट 1 है इसमें क्वेश्चंस दोनों तरह के हैं, आपके जनरल सोशियोलॉजी में से भी हैं और इंडियन सोशियोलॉजी में से भी हैं. तो मिक्स क्वेश्चन पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो कंपलसरी है वो पूछा जाएगा. और जो पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 में मेनली क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरल सोशियोलॉजी. देखो, 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2. अगर आप सिलेबस देखें तो जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 है आपका, इसमें पेपर 1 का सिलेबस आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं. एक क्वेश्चन देखिए रेफरेंस ग्रुप के ऊपर है, थिंकर के ऊपर है, और सेकंड क्वेश्चन रिसर्च डिजाइन के ऊपर है, और थर्ड क्वेश्चन सोशल चेंज के ऊपर है. इन अवे आप देखिए 2 क्वेश्चन थिंकर्स पे आ गए ये. राइट, जो मैंने पहले भी स्ट्रेटजी आपको एक बार बताई थी. और पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2 जो है दैट इज इक्वलन टू पेपर 2 ऑफ योर सिलेबस इंडियन सोशियोलॉजी. इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन ट्राइबल कम्युनिटीज पे पूछा, दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे पूछा और थर्ड एसे ऑन द इमर्जेंस ऑफ दलित कॉन्शियसनेस इन इंडिया पूछा. ठीक है, लेकिन सिलेबस इन क्वेश्चंस पे मत जाइए बिल्कुल, बिकॉज 2019 में जो सिलेबस था वो डिफरेंट था, वो पुराना सिलेबस था सोशियोलॉजी का. अब जो सिलेबस है वो प्योरली आईएएस वाला सिलेबस है. ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ये समझ आने के बाद आई विल बी डिस्कसिंग नाउ कि किस तरह की पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं जो इस बार वो पूछ सकते हैं. ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल सकते हैं या नीचे लेक्चर में, और आपको हम आंसर करेंगे उसका. और अगर इन केस कोई और क्वेरी हो आपकी रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी, हाउ टू राइट आंसर्स इन सोशियोलॉजी, और कोई भी पर्टिकुलर आप क्वेश्चन आंसर चेक करवाना चाहते हैं, तो एक नंबर है हमारा हेल्पलाइन नंबर 9501111421. इस नंबर पे आप हमारे को कंसल्ट कर सकते हैं, 9501111421 पे कंसल्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर, फोन नहीं करना इसको, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है ये. तो आप इस सोशियोलॉजी के बारे में या एचएस जनरल स्टडीज मेंस के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन इस फोन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके, डन. होप आपको अच्छे से तैयारी करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम अच्छा है और हरियाणा ने, एचपीएससी ने बहुत अच्छा टाइम दिया है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और ये ऐसा टाइम है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं. एंड वी आर हेयर टू सपोर्ट यू इन केस आपकी तैयारी में कोई भी कमी है. ठीक है ना, तो अब लेट अस गो बैक टू अवर पॉसिबिलिटीज.
अब देखिए, ये हमने पिछला सेक्शन बताया था, लेट अस नाउ आई विल ड्रॉ अनदर पॉइंट अप. अब देखिए, ऑप्शन नंबर वन, पहला तो ऑप्शन नंबर वन क्या है, किस तरह का पेपर आ सकता है. देखियो, फर्स्ट ऑप्शन में कहता हूं ये है कि दे विल रिटेन द सेम थिंग, वन टू थ्री. मतलब वन के अंदर कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर पांच शॉर्ट नोट आएंगे, जिसमें से चार करने हैं. अब जो है नंबर साढ़े सात की बजाय दस नंबर का एक आएगा, दस इंटू चार करने आपको चालीस नंबर का हो गया. क्वेश्चन नंबर टू विल बी पेपर वन सोशियोलॉजी, पेपर वन सोशियोलॉजी. इसमें से आपके तीन क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको दो करने हैं और हर क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, 80. और थर्ड ऑप्शन है, इसमें भी तीन क्वेश्चन आएंगे, दिस इज ऑफ पेपर टू ऑफ द सिलेबस इंडियन सोशियोलॉजी. इसमें तीन क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से दो करने हैं आपको, 40 ईच. तो ये हो गया 80 नंबर का, तो टोटल हो गया 200 नंबर का. तो एक तो ये डायरेक्टली एक ऑप्शन बनती है एज पर द प्रीवियस ईयर पैटर्न, ठीक है ना. लेकिन नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको और इसकी मॉडिफिकेशन बताता हूं आपको मैं, कि और क्या पॉसिबिलिटी है. ब्रॉडली मैं ब्रॉडली इसी पैटर्न का, इसी पैटर्न, इसी लेआउट के ऊपर एक और तरह का हो सकता है. जैसे क्वेश्चन नंबर वन आपका आ गया कंपलसरी, दिस विल बी सेम, जिसमें 10 में से आप 10 नंबर के चार क्वेश्चन करने हैं 40 नंबर का. क्वेश्चन नंबर टू में यहां तीन क्वेश्चन डाले हैं. अब तीन के अंदर क्या हो सकता है, वन टू थ्री, हर क्वेश्चन के दो पार्ट हो सकते हैं, ए बी ए बी ए बी, और हर पार्ट 20 नंबर का हो सकता है, 20-20 नंबर के क्वेश्चन. जैसे यूपीएससी में आता है ना 20-20 नंबर के क्वेश्चन, वो 20-20 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं. टोटल वही बनेगा कि तीन में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं, दो इंटू 40 80. लेकिन 40-40 नंबर के क्वेश्चन करने की बजाय वो आपको 20-20 नंबर के क्वेश्चन दे दें. यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस. और मुझे काफी उम्मीद है कि इस तरह का आ सकता है. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि तीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो है वो 40 नंबर का आ जाए. जो हम अपनी टेस्ट सीरीज है उसमें ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लगा रहे हैं. वी आर मेकिंग यू प्रैक्टिस बाय गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट, सो दैट कि आपके 40 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, 20 नंबर की भी हो जाए और 10 नंबर की भी हो जाए, है ना. तीनों तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, है ना. जैसे मैंने आपको एक मतलब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन की च्वाइस दी है, मैंने एक टेस्ट में च्वाइस भी नहीं दी कि आठ पांच शॉर्ट नोट कर रहे हैं आपको, आठ ईच, आठ नंबर दे दिए उसका 40 कर दिया. पांच में से चार करने हैं 10 नंबर का हो जाएगा, पांच के पांचों करने हैं तो 8 नंबर का हो जाएगा. तो सो दैट यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, है ना, कि हाँ भाई मुझे करने हैं. तो सेकंड ऑप्शन इस तरह की है, डन. सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन, दिस इज ऑप्शन नंबर टू. अब आते हैं ऑप्शन नंबर थ्री पे, राइट. कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो कमेंट करो, ठीक है ना. ऑप्शन नंबर थ्री पे आइए. अब ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री के अंदर मेरे पास एक वेरिएशन है कि हो सकता है वो पेपर को दो पार्ट में डालें, सिर्फ पार्ट वन पार्ट टू. पार्ट वन के अंदर पेपर वन का सिलेबस आएगा और पार्ट टू के अंदर पेपर टू का सिलेबस आएगा. हर पार्ट में चार चार क्वेश्चन डालेंगे वो, एक दो तीन चार, इसमें भी एक दो तीन चार, ठीक है. जो हर पार्ट का पहला क्वेश्चन होगा दैट विल बी कंपल्सरी, ठीक है ना, जिसमें आपको चार शॉर्ट नोट करने हैं 10 नंबर के ईच 40 नंबर के. और ये तीन क्वेश्चन जो हैं ये आपके आपके 20 ईच के 40 ईच के हैं. वेरिएशन वही हो सकती है, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 40 नंबर का हो या उस क्वेश्चन के दो पार्ट हो, ठीक है, इस तरह से. और सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी और चार करने हैं आपको, 4 × 10 = 40, ठीक है. और फिर वही जो तीन क्वेश्चन है ये 40 ईच के. अब वो ऊपर ऑप्शन क्या देंगे कि जो पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पेपर वन पेपर टू, एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ईच पार्ट इज कंपलसरी. अब यहां पे आपके दो कंपलसरी क्वेश्चन हो गए, मतलब 80 नंबर का जो पेपर है वो कंपलसरी हो गया. और सिलेक्टिंग एटलीस्ट टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, वन पार्ट, कि मतलब इन दोनों जो बाकी बचे तीन क्वेश्चन है इसमें से आप दो कर सकते हो, इन तीनों में से आप एक कर सकते हो, या यहां से दो कर लो यहां से एक कर लो. सिलेक्टेड एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको करने करना है बाकियों में से, ठीक है ना. तो ये तीन क्वेश्चन यहां से आप बाकियों में से अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो 3 × 40 = 120, एक आपकी परमुटेशन ये बनता है, ठीक है ना. एक परमुटेशन आपका कॉम्बिनेशन ये बनता है विच एचपीएससी कैन. और एक और पैटर्न है, समझिए, ऑल्दो जो पहले मैंने ऑप्शन नंबर वन और टू दिया है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन यह भी एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको लेके चलना है,
फर्क कोई पड़ता नहीं आपको। देखो अल्टीमेटली आपको जो प्रिपरेशन है वो ध्यान रखनी है कि 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है, 20 का तैयार करना है और 40 का तैयार करना है। ये तीन ही वेरिएशन है, 10, 20, 40, 8 और 10 में कोई फर्क नहीं ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीन तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। अब एक ऑप्शन नंबर 4 भी है जो कम लाइकली है, लेकिन फिर भी आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि आपको शॉक ना लगे वहां पे। ऐसा भी एक पहले ऐसा होता था कि इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस पार्ट ए पार्ट बी, देखो हाईली प्रोबेबल की पार्ट देंगे अब, लेकिन मैं फिर भी आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर 4, कि हो सकता है आपको कोई वो पार्ट बनाए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन दे दें, 7 क्वेश्चनों में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो जाए और ये जो क्वेश्चन बाकी बचे 6 इसमें से आपको 4 करने हैं। 40 × 4 = 160 और पहला क्वेश्चन 40 नंबर का, ये हो गए 200 नंबर। और ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें पेपर 1 के भी क्वेश्चन है और पेपर 2 के भी क्वेश्चन है। तो ये चौथी ऑप्शन है जिसकी जिसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत कम है आने की, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि एचपीएससी एक ही पेपर ले रहा है, तो एक ही पेपर के अंदर यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती हैं। और आपको बेसिकली तीन तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं, 10 नंबर का, 20 नंबर का, 40 नंबर का। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन अवर टेस्ट सीरीज, मेकिंग यू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। और थोड़ा सा एक बार बच्चों ने और भी क्वेश्चन पूछा मेरे से, मैं दोबारा भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता तो अराउंड कितने वर्ड लिखने हैं, 20 नंबर का आता तो कितने वर्ड लिखने हैं, 40 नंबर का आता तो कितने वर्ड लिखने हैं। देखो अल्टीमेटली आपको 2-3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 180 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो रफली आप लगा के चलो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका जो वर्ड लिमिट है 150 से 200 वर्ड रहेगा। अगर 20 नंबर का आ गया तो आप लगा लीजिए अराउंड 300 वर्ड्स, 250 से 300 वर्ड, राइट। अगर 40 का आ गया तो आप लगा के चलिए 500 से 600 वर्ड, इतना लिखना है, इतना नहीं लिखोगे नंबर नहीं आएंगे। जैसे बच्चों को आदत नहीं थी लिखने की इतना ज्यादा, तो मैंने टेस्ट लिए तो कोई 40 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा उसमें से सिर्फ वो कोई 300 वर्ड लिख के आ रहा है, 200 वर्ड लिख के आ रहा है। आपको ध्यान रखना है कि अगर 40 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे 500 से 600 वर्ड लिखने हैं, और अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 250 से 300 वर्ड तो लिखने हैं, है ना, और 10 नंबर का है तो 1500 से 200 वर्ड लिखने हैं। सो दिस इज द पैटर्न विच इज एक्सपेक्टेड इन एचसीएस ऑप्शनल पेपर। तो रिगार्डिंग दिस एनी इंक्वायरी यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर एचसीएस एंड आई होप यू विल डू वंडर्स इन द पेपर। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखिए, फोकस रखिए, है ना, और जम के मेहनत कीजिए। इस वक्त आपकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो हार्डवर्क की है कि आप दिन रात अपना टाइम लगाइए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिली है, प्रीलिम क्लियर है आपका, मेंस के लिए अच्छा वक्त मिला है आपको, 29 अक्टूबर से आपके मेंस हैं, सफिशिएंट टाइम है। आप हम आपके लिए मेंटरशिप सपोर्ट दे रहे हैं आपको, वी आर देयर एट योर विद यू इन योर प्रिपरेशन। आप हमारे स्टूडेंट, आप हमसे आपने कोचिंग ली है या नहीं ली है अभिमन्यु को कभी, ना इससे फ़र्क पड़ा है ना आज पड़ेगा। आपको कोई भी एज अ स्टूडेंट डिफ़िकल्टी है, कोई भी आपको मटेरियल की कमी लगती है, कोई भी आपको प्रैक्टिस की कमी लगती है, कहीं आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू सेंड मी अ टेक्स्ट ऑन दिस 9501114021। ये आपका एचएस के लिए मेंटरशिप नंबर है जो मेरे पास है, तो बस आपने लेकिन कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना है इस पर व्हाट्सएप। आई विल रिप्लाई टू योर मैसेज एंड ट्राई टू हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू अवर कैपेबिलिटीज़, ठीक है ना। हम कमिटेड हैं स्टूडेंट के लिए, and that is the USP of Abhimanyu, that we are committed for success, for your success in your preparation. Hame koi fark nahi padta aap hamare student hai ya nahi hai, just feel free to talk to us, hai na. Aap successful honge to khushi aayegi to hum bhi khush honge, theek. So thank you very much, best of luck, thank you.